हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स 2 लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, और इसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा और वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे आशा है उन क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ब्लैंक इज आर रिव्यूइंग द प्रपोजल। सो राइट आंसर है इस, क्योंकि द टीम ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट का एक टीम है, सिंगल यूनिट की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर टीम्स होता आर लगता, लेकिन यहाँ पर टीम है, एक ही यूनिट की बात हो रहा है, और ये टीम जो है हमें एक सिंगुलर का बोध करा रहा है। सो इस करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेटा ब्लैंक शोस सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स। यहाँ पे डेटा जो है, डेटा वर्ड एक प्लूलर है, इसका सिंगुलर डेटम होता है। सो यहाँ पर द डेटा एक फ्रेज यूज हुआ है। सो ये एक पार्टिकुलर चीजों के बारे में बता रहा है, पार्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है। ये डेटा जो है सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनीज प्रॉफिट ब्लैंक हैज हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। समझने वाली बात यह है, द कंपनीज प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट सब्जेक्ट जो है दो तरीके से चेंज देता है। जैसे कंपनी की जो प्रॉफिट मानकर चलिए एक बकेट ऑफ इनकम है, ठीक है, बकेट ऑफ मनी है, ऐसे सेंस में हम हैज का प्रयोग करते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, अगर हैज लगाएंगे कंपनी की जो प्रॉफिट जो है, सिंगल कंपनी की, एक सिंगल प्रॉफिट की बात हो रहा है, एक कंपनी एक बकेट ऑफ मनी मानकर चलिए एक बकेट ऑफ मनी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, ये सेंस हमें मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हैप लगाते हैं, कंपनी में जितने भी इंडिविजुअल्स है उन लोगों की मनी जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है। तो लगाने पे यहाँ पर दोनों ही लगा सकते हैं हम। सो इसका मतलब अलग अलग निकलता है। सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पर दोनों ही आता है, लेकिन हम यहाँ पर हैश लगा रहे हैं। हैश लगाएंगे तो कंपनी की मनी जो है एक सिंगल एंटिटी में एक सिंगल तरीके से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये सेंस हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स इन माय क्लास ब्लैंक इज स्लैश आर वेरी टैलेंटेड। सो द करेक्ट आंसर इज आर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्लूलर सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर आर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू एम्प्लॉई ब्लैंक is oblique are still learning the ropes। So यहाँ पे the new employee, it's quite easy, singular subject है, so it takes singular verb, the verb is correct answer है। Next question is the research paper blank was slash were written by a team of experts। So the correct answer is was, क्योंकि यहाँ पे paper एक singular subject है, correct answer was है। Next question is the audience blank is slash are eagerly waiting for the concert to start। Correct answer is a, क्योंकि यहाँ पे audience singular verb लेता है। Next question is the teacher at this school blank is slash are highly qualified। So correct answer है are, क्योंकि यहाँ पे the teachers एक plural noun है, plural noun takes plural verb यहाँ पे are है, are is correct answer। Next question is the new policy blank has slash have been implemented successfully। So यहाँ पे the subject is policy which is a singular noun, so it agrees with singular verb, singular verb यहाँ पे has है, so has correct answer है। Next question is the team of researchers blank is slash are working on a new project। So here subject is team which is a singular noun, so it takes singular verb, singular verb यहाँ पे is है। भले ही यहाँ पे team एक collective noun है, लेकिन single unit की बात हो रहा है, बहुत सारे researchers के एक team, बहुत सारे team, teams नहीं है but team है, ठीक है, एक ही यूनिट की बात हो रहा है, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपनीज एसेट्स ब्लैंक इज स्लैश आर वैल्यूड एट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो हियर द करेक्ट आंसर इज आर, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर मैंने बताया था आप लोगों को जब हम प्लूलर यूज करते हैं इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ, एक नहीं बल्कि एक से अधिक चीजों के बारे में बोध करवाता है। हियर द सब्जेक्ट द कंपनीज एसेट is talking about many individual assets, not just a single asset, so it takes plural verb are. Next question is the students in the class blank is slash are very enthusiastic. Sahi answer hai are, kyunki yahan pe the students ek plural subject hai, so it takes plural verb are. The next question is the majority of the students blank is slash are
इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। सही आंसर है आर, क्योंकि यहाँ पे द मेजोरिटी एक प्लूलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई द सब्जेक्ट द मेजोरिटी एग्रीज विथ प्लूलर वर्ब आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च फाइंडिंग्स विच वर प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस ब्लैंक वॉज स्लैश वर वेल रिसीव्ड। करेक्ट आंसर है वर, क्योंकि यहाँ पे द रिसर्च फाइंडिंग्स सब्जेक्ट सो फाइंडिंग्स प्लूलर में है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर है वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई ब्लैंक गो स्लैश वेंट टू द स्टोर आई वुड बाय मिल्क। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर वेंट है, क्योंकि ये सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड बी टू के साथ हमें वुड को प्रयोग करना होता है कंडीशनल सेंटेंस में। सो इफ आई वेंट टू द स्टोर आई वुड बाय मिल्क। ठीक है, अगर मैं स्टोर में गया होता तो मैं मिल्क खरीद लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द टाइम आई ब्लैंक अराइव स्लैश अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। सही आंसर है अराइव्ड है, क्योंकि यहाँ पे द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड परफेक्ट टेंस में है। जब कभी एक सेंटेंस में एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में होना पड़ता है। दैट इज वाई द सब्जेक्ट आई अग्रीज विथ बी टू फॉर्म ऑफ वर्ब अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज पैंट्स ब्लैंक वॉश स्लैश वोर टॉन ड्यूरिंग द मैच। सो करेक्ट आंसर वोर लगेंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो टॉन जो है ये पास्ट में है। यहाँ पर हमें वोर ऑक्सिलरी लगाना अनिवार्य होता है, और स्पेशली हिज पैंट्स पैंट के साथ ऑलवेज प्लूलर ऑक्सिलरी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोन टुगेदर विथ हिज वाइफ ब्लैंक ग्रीट स्लैश ग्रीट्स द गेस्ट ऑफ द पार्टी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ग्रेट, क्योंकि जब भी टुगेदर विद फ्रेज के साथ जब दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर एरन है और उसके बाद हिज वाइफ, दोनों सब्जेक्ट थे। टुगेदर विद के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ सकते हैं, जैसे एरन टुगेदर विद हिज वाइफ हिज आंट हिज अंकल, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे बॉब एग्री करता है सबसे पहला सब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पर एरोन है। एरोन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सो ग्रेट्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रूथफुल ब्लैंक इज स्लैश आर ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग देखिए ट्रूथफुल एक एग्जेक्टिव है, द ट्रूथफुल एक एग्जेक्टिव है, और इस तरीके के सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज प्लूलर सब्जेक्ट एग्री करता है, ये रूल है। सो ट्रूथफुल आर ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, आर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्राई ब्लैंक इज आर नेवर द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स। करेक्ट आंसर है इज, क्योंकि टू क्राई एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, इन्फिनेटिव ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ डिसीज्ड सोल्जर्स ब्लैंक इज आर वर वॉज नॉट टोल्ड इन द रिकॉर्ड बुक। इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट पे बताइए, अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे, वहाँ पे इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी तरीके का क्वेरीज है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ये वाला वीडियो पे।